नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज 24। हमारे संवाददाता राजू मार्कोनी की रिपोर्ट। कोरोना युद्ध में बेटियां बना रही लड़ाई का हथियार। कोरोना से जूझते पूरे विश्व के लिए प्रत्येक साजो सामान की अहमियत है। इससे मुकाबले के लिए पूरे विश्व की कई कंपनियों ने भिन्न भिन्न प्रकार के सामान बनाने की तत्परता दिखाई है। ऐसे में सूरजपुरा की इन बेटियों के जज्बे के आगे सभी भौचक हैं। इन दो बेटियों ने अपने दम पर 5000 मार्क्स बनाने का बीड़ा उठा लिया है, जिसमें वो तेजी से अपने लक्ष्य के पूरा करने में लगी है। इन बेटियों ने मार्क्स की मारामारी को देखते हुए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसकी प्रखंड के चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। बताते चले कि नेहरू युवा केंद्र रोहतास के अंतर्गत सूरजपुरा प्रखंड में स्थित इंदिरा गांधी महिला मंडल की सदस्य सह पूर्व राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सोनी कुमारी एवं राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक पूजा कुमारी सूरजपुरा निवासी उत्तम चौबे के दोनों बेटियों से हमारे रिपोर्टर जब यह बात पूछे कि मास्क बनाने के लिए कपड़ा और धागे का खर्च कहां से लाती हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं पहले से सिलाई करके कुछ पैसे रखी थी और पापा का भी सहयोग रहता है। लगभग 2000 से अधिक मास्क बना चुकी है। सोनी कुमारी ने बताया कि लॉकडाउन में घर बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था और जन कल्याण की भावना से मास्क बनाना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक पूजा कुमारी ने बताया कि पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही है, तो हमने सोचा कि क्यों न लोगों की इस महामारी में मदद किया जाए। मास्क बनाकर इंदिरा गांधी महिला मंडल क्लब के द्वारा सूरजपुरा प्रखंड क्षेत्र के कई गाँव एवं बाजार में आने जाने वाले व्यक्तियों को, दुकानदारों को, बैंक में आने वाले लोगों को मास्क वितरण किया जाता है। वहीं नेहरू युवा केंद्र रोहतास के जिला युवा समन्वयक सूर्यकांत कुमार ने बताया कि इस लॉकडाउन में इंदिरा गांधी महिला मंडल के सदस्यों के द्वारा काम काफी सराहनीय रहा, खासकर उन दोनों बहनों का जो देश को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग दे रही है। क्या सोनी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इतना सारा मास्क बनाई है, इसको क्या करेंगी आप इतना सारा मास्क बना करके? गरीबों में बांटेंगे। इतना सारा मास्क आप गरीबों में बांटेंगी जी? क्या आपको कोई संस्था के थ्रू इस मास्क के लिए पैसा वगैरह मिला हुआ है आपको? जी नहीं। तो फिर इतना सारा मास्क के लिए कोई सहयोग किया आपको? नहीं, मैं नेहरू युवा केंद्र में 2 साल तक वॉलंटियर थी। उसके बाद मैं एक इंदिरा गांधी महिला मंडल के नाम से क्लब चलाती हूँ। जो आप क्लब चला रहे हैं, इस क्लब के माध्यम से इतना सारा बांटेंगे आप जी, तो क्या इसमें आपको कोई सहयोग राशि कहीं से मिला हुआ है? नहीं, मैं खुद से। क्या आप खुद से इतना सारा कपड़ा और सुई धागा, इतना मेहनत आप खुद से कर रहे हैं गरीबों के लिए? जी। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके मन में इतना सारा मास्क बनाकर बांटने के लिए कहाँ से ख्याल आया? हमने भी सबको देखा चावल दाल बांटते हुए, फिर हमने भी सोचा कि हमारे पास कला है, कपड़ा है, तो क्यों ना हम गरीबों को मास्क बनाकर बांट दें। यही हमने सोचा और फिर अपना मास्क तैयार करने लगा खुद से सिलकर। मैं भी सोची कि सारा गरीबों को बांट दें। तो सब कोई चावल दाल बांट रहे हैं, तो आपने सोचा कि मास्क ही बना करके हम बांट दें? जी, क्योंकि चावल दाल मैं नहीं बांट सकती क्योंकि उतना मेरे पास नहीं है। जो मेरे पास है वही मैं कर रही हूँ। तो आपके पास चावल दाल नहीं थे? नहीं थे, क्योंकि हम एक गरीब परिवार से हैं, तो इसलिए जो मेरे पास कला था वही हम अपना कला को यूज किया और मास्क बनाए और गरीबों को बांटेंगे।